नमस्कार, आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं और आज हम बात करने वाले हैं युद्धवीर टंडन जी से, जो कि आपके गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अनोगा सुंडला के तहत आता है, वहाँ पे प्राइमरी टीचर हैं। सबसे पहले और मैं आपको बता दूं कि ये आपके द टीचर ऐप जो कि अभी कंटेस्ट हुआ है ऑल इंडिया लेवल का, वहाँ पे हिमाचल में चंबा से थे और इनका तीसरा स्थान मिला है, और साथ में खास शिक्षा जो आपका हिमाचल का प्रोग्राम है वहाँ पे भी इन्होंने फर्स्ट अवार्ड लिया हुआ है। युद्धवीर टंडन, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपको बधाई सबसे पहले, क्योंकि आप जो हैं एक काफ़ी अच्छी टीचिंग और काफ़ी अच्छा जो एक्टिविटी के रिलेटेड और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ टीचिंग को प्राइमरी स्कूल में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपकी जो सोशल साइट के थ्रू काफ़ी एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। युद्धवीर, जैसे कि अभी मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि काफ़ी समय से जो आपका गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट है स्टूडेंट का जी, वो काफ़ी कम हो रहा है, काफ़ी प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं हमारे गवर्नमेंट के, और जो ये एनरोलमेंट और जो ये एजुकेशन सिस्टम में इस तरह का जो आपका ड्रॉबैक आ रहा है, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, अपनी इस चर्चा में आपने मुझे शामिल किया, थैंक यू। इसके बाद जैसा कि आपने अभी बड़ा अच्छा एक वैलिड पॉइंट प्रश्न उठाया है, हमें हमारे शिक्षा विभाग, हर एक शिक्षक, और मुझे लगता है कि जो कोई भी शिक्षा के प्रति समर्पित है या शिक्षा को जो देखता है बड़े बारीकी से, उसके सामने सच में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो हमारे प्राइमरी स्टेज है, जो कि नींव है, वहीं पर जो हमारा यह जो बच्चों का जो एनरोलमेंट है, जिसको हम नामांकन की दृष्टि से भी देखते हैं, वो बहुत कम हो रहा है, स्पेशली अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें। तो इसको लेकर के मेरे हिसाब से जो अगर हम ये सोचेंगे कि हमें पहले कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, सुविधाएं मिले, हमारे पास संरचना आधारभूत जो है वो विकसित हो, उसके बाद हम एनरोलमेंट की तरफ जाएंगे, तो वो थोड़ा सा एक आज के समय में मुझे लगता है कि अपने आप को और ज़्यादा पीछे ले जाने वाली बात होगी। अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कई बार हम बात करते हैं कि हमारे पास LED नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, या ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से एक टीचर से बड़ी LCD, एक टीचर से बड़ी टीचिंग एड या एक टीचर से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं हो सकता। अपने आप में एक मॉडल होता है वो टीचर। बिल्कुल बिल्कुल, वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। एक चीज़ में यहाँ पे ये देखने वाली बात ये है कि जो आपका गवर्नमेंट स्कूल है उसमें जो टीचर जाता है, चाहे आप प्राइमरी से लेकर के कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक देख लो, वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू जाता है, वो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करता है, उसका कमीशन या एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, सारी प्रोसेस के बाद वो पूरी एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई करते हुए काफ़ी अनुभव के साथ सरकारी स्कूल में जाता है। तो फिर कौन सा ऐसा लूप होल रह जाता है कि हमारी जो सरकारी जो स्कूल है उसके ऊपर विश्वास या क्वालिटी एजुकेशन जो वो कम हो रही है, एक टीचर जो है ना उसका क्या एक्स्ट्रा एफर्ट रहेगा कि ये चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो, मतलब कि गवर्नमेंट एजुकेशन में? ये जो आपका प्रश्न है, इसके बहुत सारे पक्ष हैं जी, और बहुत मैं, सारे, उन, मैं, उन, मैं, उन बहुत सारे पक्षों में से मैं यहाँ बीच में आपको रुकना चाहूंगा जी, जी। इसके बहुत सारे पक्ष हैं, पर मैं उस पक्ष में चाहूंगा कि आप एक्सप्लेन करें कि आपके पास एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, तो सपोज करो आपके पास एक बिल्डिंग की इतनी अच्छी सुविधा नहीं है, आपके पास टीचिंग जो लर्निंग एड्स हैं या जो भी आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको, वो भी बिल्कुल आपके पास कम है या यूं मान लें कि सफिशिएंट नहीं है, उसके होते हुए भी आप वहाँ पे अपॉइंट कर दिए जाते हैं, तो फिर क्या एफर्ट रहना चाहिए ताकि आप क्वालिटी एजुकेशन बेस्ट दे पाए? देखिए, मैं बस यही कहने वाला था कि पक्ष बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा जो फोकस होना चाहिए बीइंग ए टीचर, वो कंप्लेंट्स की तरफ कम होकर के हमारा जो है वो सोल्यूशन की तरफ ज्यादा होना चाहिए। अब बीइंग ए टीचर हम कंप्लेंट्स करने लगेंगे तो हजारों कंप्लेंट्स हैं, लेकिन हम सॉल्यूशंस की बात करनी चाहिए, और हमें वी शुड बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन रादर देन बीइंग अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो जैसा कि आपने ये समस्या रखी है, तो मेरे हिसाब से एक टीचर के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अपने प्रोफेशनलिज्म की भावना उसमें होनी चाहिए, मतलब व्यवसायिक जो उसका दृष्टिकोण है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर एक टीचर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, जैसे कि आपने कहा कि एक एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो उसकी फैसिलिटी आपके पास फैसिलिटीज हैं, उसमें एक टीचर किस तरह से अपना बेस्ट दे सकता है, तो इसके लिए मुझे लगता है कुछ खास करने की ज़रूरत है, अपने आप को अप टू डेट रखें, और सबसे बड़ी बात है कि संकीर्णता को हमें छोड़ना होगा कि ये काम मैं नहीं करूँगा या मैं क्यों करूँ। अगर हमारे ऊपर कोई चीज़ थोपी जा रही है, अगर थोपी भी जा रही है, तो उसको हम ये क्यों सोचें कि वो हमारे ऊपर थोपी जा रही है, यानी को हम एज ए चैलेंज लें और हमने आपको प्रूफ करके दिखाएं। यानी कि एक प्रोफेशन से ऊपर उठ करके आपको ये देखना है कि आपके पास एक जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए टीचर, और उससे आप जितना बेस्ट कर सकते हैं आपने अपना बेस्ट देना है। देखिए, बीइंग ए टीचर अगर हम एक एजुकेशन को देखें, तो एजुकेशन को दो पक्ष हमारे सामने आते हैं, एक आता है कि एजुकेशन आर्ट है या साइंस है। जो एक जो इनोवेटिव टीचर है, जो एक मोटिवेशनल टीचर है, उसके लिए जो टीचिंग है
वो आर्ट भी होनी चाहिए और साइंस भी होनी चाहिए, अ ब्लेंड ऑफ बोथ। ओके, अगर वो सिर्फ अपने आर्ट के माध्यम से सब कुछ करेगा तो ये भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि नहीं, हमने अपनी टेक्निक्स के द्वारा ही बच्चे को सब कुछ करना, नहीं, हमें उसमें साइंस का यूज करना पड़ेगा। बच्चे की जो मेंटल उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी करते हुए हमें ऑडियो विजुअल एड्स की बात करें, फ्लैश कार्ड्स की बात करें, TLM की जो कंसेप्ट आता है उसकी बात करें, तो उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। और ये काम हमें, इसके लिए हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। जैसे कि हमने ये नहीं सोचना है कि जब हमें हमारा विभाग या हमारी सरकार अब हमें इसके लिए प्रोत्साहित करेगी या मौका देगी तभी हमने कुछ, हमें अपने स्तर पर कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने हैं। एक टीचर को हर समय सोचना चाहिए कि किस तरीके से वो अपने आप को और ज़्यादा बेटर कर सकता है। बींग ए टीचर उसकी ये ड्यूटी नहीं बनती है, ये बींग ए टीचर उसके लिए सर्वाइवल की, जो हमारे डार्विन ने सिद्धांत भी दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर उसने सर्वाइव करना है इस सोसाइटी में, इस एग्जिस्टिंग सोसाइटी में, तो उसको ये सब कुछ करना होगा। क्योंकि अगर टीचर कंप्लेंट्स करने लगेंगे तो फिर सॉल्यूशन कौन करेगा? राइट, ये मेरा जो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है, ये आपने काफ़ी अच्छा कहा कि जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखेंगे कि मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, मेरा इस वक्त क्या, मैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे तो पढ़ रहे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर या जो वो सारी चीज़ें हैं उनको पूरा होते होते समय लगेगा, तब तक बच्चे निकल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा आपने ये अपना व्यू रखा। एक चीज़ और है कि जब भी पिछले अक्टूबर महीने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जो आपका प्री आपका प्राइमरी है उसकी शुरुआत गवर्नमेंट स्कूल में की और 3991 आई थिंक मंडी से गौर से उन्होंने शुरुआत की, और जो इसके ऊपर आपका क्या क्या इनरोलमेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा जो प्राइमरी स्कूल? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मत है, कुछ लोग इससे सहमत हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्टेप है ये। जैसे कि हमने बात की, सुधार और भी हो सकते हैं, वो बाद की बात है, लेकिन उन चीज़ों को तो किनारे रखते हुए अगर मैं कहूँ तो इससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे नहीं लगता है कि अगर हम पहले से 5 क्लासेस पढ़ा रहे हैं तो प्री प्राइमरी में अगर हम कोई बच्चा हमारे पास आता है तो हमें कोई अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है। जो हम वर्तमान समय में कर रहे हैं उस उन्हीं ही शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से हम उन प्री प्राइमरी को जो है अलग से क्यों हम उसको एज ए बर्डन ले रहे हैं? वो हमारे लिए एक एसेट है। अगर वो दो साल हमारे पास रह रहा है तो जब वो फर्स्ट में एनरोल होगा तो वही हमारे लिए, हमको जितनी मेहनत फर्स्ट में अभी करनी पड़ रही है उसकी आधी भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक अच्छा स्टेप है, इसमें सुधार हो सकता है, मैं इतना ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, लेकिन ये इसमें बुराई कुछ नहीं है, ये अच्छा स्टेप है और शायद ये बहुत पहले ये स्टेप हो जाना चाहिए था। बहुत अच्छा स्टेप है और इससे जरूर एनरोलमेंट में हमें मदद मिलेगी। ये एक तरीके से हमारे लिए बूस्ट है कि इस तरीके का हमें एक अपॉर्चुनिटी जो है वो मिली है। पब्लिक स्कूल है जो एक सोसाइटी में बना हुआ है कि पब्लिक स्कूल में भेजना, प्री आपको नर्सरी स्कूल में भेजना है, वो शुरुआत जो गवर्नमेंट स्कूल में कर दी गई तो डेफिनेटली जो आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इसको, इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, मेरा ये पूरा ऐसा मानना है। और अच्छे रिजल्ट सिर्फ इसीलिए नहीं आएंगे कि हमने प्राइवेट स्कूल की तर्ज के ऊपर ये काम शुरू किया है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिन्होंने ये घोषणा होने से पहले अपने स्तर पर इस तरीके के कार्यक्रम चला करके रखे थे। तो इसमें कंपटीशन की बात नहीं है, एक बींग ए टीचर बच्चों की एजुकेशन देनी है। इसमें हमारा जो भाव होना चाहिए वही होना चाहिए, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हम तो मांगे बच्चों की खैर, ठीक है जी। अगर किसी प्राइवेट स्कूल में बच्चों को अच्छा मिल रहा है एनवायरनमेंट और पेरेंट्स अगर वहाँ से इंस्पायर हो रहे हैं तो हमारा काम यहाँ पर ये नहीं कि हमने उन प्राइवेट स्कूल्स को नीचा दिखाना है या फिर ऐसा कुछ नहीं, हमारा ये कि हमने उनको कन्विंस करना है। वो कन्विंस कैसे करना है? अपनी कैपेबिलिटीज़ के बेस पर। अगर हमारे पास कैपेबिलिटीज़ होगी, हमारे पास कैलिबर होगा तो बच्चे हमारे पास आएंगे। जिस कैलिबर की कमी की वजह से या जिस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो बच्चे हमसे गए हैं, उसी कॉन्फिडेंस या उसी कैलिबर से हमें उनको वापस लेके आना है। और कोई भी रास्ता मेरे हिसाब से हमारे पास नहीं है, क्योंकि आजकल मोनोपोली तो है नहीं है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है। आजकल जो है वो एक मतलब ऐसा जमाना है कि हम कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं, एवरीबॉडी इज फ्री। हम इसको कानून के रूप से बात नहीं कर सकते कि सभी बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। और अगर मेरा तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ बच्चे का बेस्ट फ्यूचर है पेरेंट्स वहाँ डाल लें, अगर उनको लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्यूचर बेस्ट है तो वो डालें, अगर उनको नहीं लगता है तो हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि रिजल्ट सामने आएंगे। और हम ये चीज़ आपने सही कही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि बैलेंस इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि अगर ये हमारे जो सरकारी स्कूल में देखा जाए तो व्यवस्था पर अगर इस तरह से ध्यान ना दिया जाए कि क्वालिटी गिरेगी कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में, जो आप बात कह रहे हैं, लेकिन इस तरह के अगर एफर्ट रहेंगे तो मेंटेनेंस रहेगा सोसाइटी के माइंड में, ये ना हो कि भाई ये बेस्ट है या सरकारी। आज की डेट में आप देखते हैं एक जो क्वालिटी का जो आपका एक
डिफरेंस है वो क्रिएट हो चुका माइंड में कि एक एक जो आपका आम आदमी होता है वो भी सोचता है कि उसके पास हालांकि उसकी कैपेसिटी नहीं होती है प्राइवेट में पे करने की, लेकिन वो सोचता है कि प्राइवेट भेजूं। मैं कई बार कहता हूं मैं इतना इसमें तो मैं ये बीच में ये बोलना चाहूंगा जरूर कि अगर किसी की कैपेसिटी नहीं है तो वो ये कतई ना समझेगी भाई उसने जबरदस्ती प्राइवेट में डालना है, क्योंकि इस चीज से प्राइवेट स्कूल्स भी सहमत होंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बिल्कुल बच्चे को निठल्ला नहीं बनाया जा रहा है, बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इवन बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर किसी की कैपेसिटी नहीं है वो जरूर जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में आए, और गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत अच्छा हमें मिलता है, हम खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, उनके जो वो पेरेंट्स हैं जो बच्चे के बारे में इतना सोचने के लायक है वो गवर्नमेंट स्कूल से निकले हैं, और इवन जो टीचर्स प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो भी गवर्नमेंट स्कूल की उपज है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में स्टैंडर्ड नहीं है या क्वालिटी नहीं है, कुछ एक सुधार की गुंजाइश है हर जगह पर है, वो प्राइवेट में भी है गवर्नमेंट में भी है, लेकिन गवर्नमेंट में ज्यादा इसीलिए है क्योंकि ये जो हमारी जनसाधारण से जुड़े कौन है गवर्नमेंट के स्कूल सुने हैं, तो इसीलिए उसके ऊपर फोकस ज्यादा आता है। प्राइवेट स्कूल की जब शुरुआत हुई होगी मेरे हिसाब से तो वो आम लोगों के लिए नहीं हुई होगी, वो एलीट वर्ग जो हमारी क्लास थी सोसाइटी की उसके लिए हुई होगी, धीरे धीरे कुछ एक खामियां रही होंगी या कोई भी इस तरीके की हुई होंगी घटनाएं जिसकी वजह से हमारा विश्वास कम हुआ, लेकिन फिर भी भविष्य उज्जवल है और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो आने वाले समय बहुत जबरदस्त टक्कर देंगे, दे भी रहे हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, अगर हम अपने यहाँ चंबा जिला से बाहर की भी बात करें, पूरे पूरे हिमाचल में चाहे कुल्लू की बात करें, सिरमौर की बात करें, कांगड़ा की बात करें, ऐसे ऐसे डेडिकेटेड अध्यापक हैं जो अपनी सैलरी का मोर देन 50% भी जो बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर रिजल्ट आएंगे और आ भी रहे हैं। एक चीज और मैं यहाँ पे ध्यान देने वाली पूछना चाहता हूँ आपसे, जी जी, जैसे कि हम लोग जो करिकुलम होता है हमारा स्कूल में बच्चों को, सपोज करो हम एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा रहे हैं जी, हमने उनको पोल्यूशन के बारे में पढ़ाया, हमको ट्रैफिक सपोज करो ट्रैफिक नियम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे ने पढ़ भी लिया और सब्जेक्ट में 98 मार्क्स ले लिए, लेकिन जब बच्चा आहिस्ता आहिस्ता जाता है तो उसको फॉलो या सीखने की जो बात होती है, एक होता है ना पढ़ना, एक होता सीखना, एक होता टीच करना, एक होता लर्न करना। सीखने के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन रहती है बहुत सी चीज़ों की जो हम टीच करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ एजुकेशन में, वो चीज़ क्यों वो जो फ़र्क है वो कैसे रह जाता है, यानी कि बच्चा सीखता है वो उसकी भाव में कन्वर्ट नहीं होता है, उसके वो व्यवहार में कन्वर्ट नहीं हो चीज़ें होती। जैसे कि आपने देखा होगा इवन थर्ड फोर्थ से आपका एनवायरमेंटल साइंस और टेंथ तक बहुत कुछ पढ़ देते हैं हम लोग, लेकिन जब अब एक्चुअल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करने की बारी आती तो फिर हमें उनको वर्कशॉप की जरूरत पड़ती है, या बच्चों को सिखाने की जरूरत पड़ती है, पुलिस वाले को चालान काटने की जरूरत पड़ती है। ये चीज़ जो सीखना है ना, ये कैसे इम्पार्ट कर सकता है एक टीचर की, क्या रोल रह सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए ये जो आपने बात की है, ये जो आपका अब तक के जो आपके प्रश्न थे उनसे बिल्कुल हट करके है, ये तकनीकी और व्यवहारात्मक पक्ष के ऊपर ज्यादा जोर देता है कि हमने कौन सी ऐसी टेक्निक या तकनीक अपनानी है जिससे कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए और वो परिवर्तन भी स्थायी हो। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए हम एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, उसमें हम स्पीचेस ना दे करके बच्चों को पेड़ के साथ जोड़े, एनवायरमेंट के साथ जोड़ा जाए। जैसे मैं अगर आपको अपने स्कूल का एग्जाम्पल दूं तो मेरे स्कूल के सराउंडिंग में अगर कहीं पर भी पेड़ कटता है तो बच्चे आकर के मुझे रिपोर्ट करते हैं और उनके चेहरे पर वो भाव होता है कि काश हम उसको रोक पाते। मेरे को इस चीज़ की खुशी है कि जो ये जिस जनरेशन को मैं जिस जो डील कर रहा हूँ जिस जनरेशन के साथ, एटलीस्ट वो जनरेशन इस चीज़ को अपने उसको जो है वो व्यवहारात्मक रूप से उसको फील करे। और इसमें टेक्निक क्या है, टेक्निक इसमें यह बच्चे को अगर हमने व्यावहारिक तौर पर सबल बनाना है, उसका व्यावहारिक पक्ष को हमने सबल करना है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने एक एनवायरमेंट क्रिएट करना, बच्चे को ये फील करवाना है कि जो मेरे टीचर बोल रहे हैं उसको वो खुद करते भी हैं, जैसे कि एडमायर भी करते हैं। जैसे कि आपने पोल्यूशन की बात की जी, तो उसको थोड़ी देर के लिए जैसे किसी ट्रैफिक जो चौक है उसके पोल्यूशन में दिखाया जाए कि देखो ये होता है पोल्यूशन, वो व्यवहारिक रूप से उसको देखे कि अच्छा ये होता है जो किताब में पढ़ा हुआ हमने जी। तो मुझे लगता है कि आपने काफी अच्छा पॉइंट इसको रिलेट किया है, इसकी जरूरत काफी ज्यादा स्कूलों में, चाहे वो प्राइमरी लेवल का है चाहे बड़े इसके आपका एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन है, वहां से बच्चों को इस तरह से आपका नेचर के साथ कनेक्ट करके व्यवहारिक रूप से अगर शिक्षा दी जाए तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगी। चलो एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि जो आपका हमारा गवर्नमेंट में जो आपका एजुकेशन है, जो रिक्रूटमेंट हमारी प्रोसेस है, जैसे टीचर्स की डिफरेंट कैटेगरी है, पीटीए है, पैट है, पैरा है, एसएमसी है, ना जाने क्या क्या है, जब ये जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोसेस की जाती है, अस्थाई जो आपकी रिक्रूटमेंट की जाती है, इसका शिक्षा के ऊपर क्या क्या टीचर की मेंटल एबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ता है, माइंड के ऊपर कि उसमें अस्थाई रहता है या वो अपनी उसको जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? सर ऑब्वियस सी बात है, अब किसी काम के लिए मेरे को अलग क्रेडिट्स मिल रहे हैं और उसी काम के लिए किसी दूसरे आदमी को अलग क्रेडिट्स मिल रहे हैं, तो ये तो स्वाभाविक है कि उसकी कार्यक्षमता पर फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये भी डिपेंड करता है उस टीचर के ऊपर। बहुत से ऐसे अध्यापक साथी हैं जो कि एडवर्स कंडीशंस में अपना बेस्ट दे रहे हैं, मैं खुद ऐसे टीचर्स से पढ़ा हूं जो कि
लेकिन मुझे ये लगता है कि भेदभाव समाप्त होना चाहिए और भेदभाव की जड़ को ही समाप्त करके जो अभी तक हुआ उसको खत्म करके और भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक मेरा अपना एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी आपने देखा होगा कि नेशनल लेवल के ऊपर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है आपकी यूजीसी के उसके पैरेलल में खड़ी की है, जो कि मैक्सिमम सारे को आपके यूजीसी नेट नीट जेई के सारे टेस्ट को कंडक्ट करेगी, एक्सपर्ट लोग वहां बैठेंगे। मुझे लगता है कि क्या आपको नहीं लगता कि स्टेट लेवल में स्टेट टेस्टिंग एजेंसी हो, ऐसा एक ही आपकी ऐसी एजेंसी हो जिसमें सारे के सारे जो आपके स्टेट के चाहे वो टीचिंग है उनके अलग अलग विंग बना करके एक ही संस्था जो है वो सारे ट्रांसपेरेंट होकर के एक ही तरह के टीचर के एग्जाम या मतलब कि वहीं से एग्जाम कंडक्ट हो। जैसे कि आपने देखा होगा आपका एक एग्जाम हमारा कोई एक अथॉरिटी कंडक्ट करती है, दूसरे एग्जाम को दूसरी अथॉरिटी कंडक्ट करती है, वहाँ सारी दिक्कतें रहती है, वहाँ आपकी क्वालिटी की भी प्रॉब्लम रहती है, उनको भी बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो क्या स्टेट टेस्टिंग एजेंसी जैसी कोई इंस्टीट्यूशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि एक वही एजेंसी आपका एग्जाम कंडक्ट करे और टीचर भी आपके एक ही एजेंसी के थ्रू आए, उसमें कोई कैटेगरी ना हो, इसमें एसएमसी पैरा पीटीए वगैरह सारे टीचर्स बेशक आप कॉन्ट्रैक्ट लेकिन एक ही उससे आए हो, एक ही पॉलिसी से आए। देखिए ये बहुत मतलब ये सुझाव देने वाली बात है लेकिन बहुत अच्छा सुझाव है ये, और मुझे लगता है अगर ऐसा हो जाए तो और ज़्यादा जो सुधार है वो हमारे शिक्षा में आएगा। जो आप बोल रहे हैं कि असमानता है वो यूनिफॉर्मिटी में बदलेगी, समानता आएगी, एक रूपता हमारे सिस्टम में आएगी, और सबसे बड़ी बात होगी विश्वास बढ़ेगा। जो हमारे जिसको आप बोल रहे हैं कि पेरेंट्स का जो विश्वास कम हो रहा है वो शायद इसीलिए भी हो रहा है विश्वास कम, क्योंकि पेरेंट्स को थोड़ा सा लग रहा है डामाडोल स्थिति लग रही है। तो अगर इस तरीके की जो मतलब कि अगर पहल की जाती है किसी के भी द्वारा, चाहे सरकार के द्वारा की जाती है या किसी भी तरीके से इस किसी भी स्तर पर यह पहल होती है तो वो बहुत ज्यादा सराहनीय होगी और इससे निश्चय ही जो शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता भी आएगी और शिक्षा के जो हमारी ओल्ड ग्लोरियस डेज थे उनको हम रिस्टोर करने में। प्रश्न आपसे और है कि जो आपका पेरेंट्स और आपका टीचर के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप, क्या आपको लगता है अगर है तो कितना है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए इस क्वेश्चन को दो सेगमेंट में मैं आंसर देना चाहूंगा। पहला आंसर तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जी हाँ, पेरेंट्स और जो हमारे टीचर्स हैं उनमें कम्युनिकेशन गैप है और इसको दूर कैसे करना है, इसका जो जवाब है सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से पॉसिबल वे यही है कि हमें अपने आप को अभिभावकों के स्तर तक लेकर के जाना पड़ेगा, जो वो सोचते हैं, जो वो अनुभव करते हैं अपने बच्चों के बारे में। देखिए हमारे पास बहुत तरह के बच्चे आते हैं और जितनी तरह के बच्चे हैं उससे दूरी तरह के पेरेंट्स हैं, ठीक है जी, और हमें हर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को जो मीट आउट करना होगा। अब हम ये नहीं सोच सकते हैं कि एक अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को आईएएस बनाना चाहता है तो दूसरा जो सिर्फ उसको ड्राइवर ही बनाना चाहता है, तो हमने दोनों को कैसे कोलैबोरेट करना है? देखिए इस सोसाइटी को आईएएस की भी जरूरत है और ड्राइवर की भी जरूरत है, हम किसी चीज को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट पॉसिबल वे यही है कि हम अपने आप को पेरेंट्स के लेवल तक लेके जाएं, ये सोचने पे मजबूर कर दें पेरेंट्स को कि नहीं ये टीचर्स जो बोल रहे हैं इनकी बात में दम है। और मुझे लगता है वो टीचर का काम ही ये है कि अगर वो अपनी बात को किसी तक कन्वे ही ना कर पाए तो फिर वो वहाँ पर कम्युनिकेशन गैप तो रहेगा ही रहेगा। और बाकी कई जगह एडवर्स सिचुएशंस रहती हैं, उनको मैं एक्सेप्शंस के तौर पर जरूर मैं मानता हूँ कि ऐसा रहता है कि कई जगह पर सहयोग ना मिल पाता हो, लेकिन जनरलाइज फॉर्म में अगर हम देखें तो इस तरह से जो मेरे को लगता है काम बन सकता है। अच्छा फाइनली मैं अगर ये कहना चाहूँगी बींग ए टीचर, आप पूरे के पूरे टीचर कम्युनिटी को जो है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो टीचर हैं या जो टीचर बनने जा रहे हैं उनके लिए क्या है कि ये प्रोफेशन किस तरह से है, प्रोफेशन से हट के क्या एक्स्ट्रा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए आप, क्योंकि आपके पास एक जनरेशन होती है जी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं किसी अभी कुछ दिन पहले मैं एक बच्चा मेरे पास था नर्सरी का, वो मेरे को उसको मैं अनार दिखाना सिखा रहा था जी, तो मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी उसको अनार सिखाने में, तो मैंने कुछ लिखा और उसने कहा कि नहीं आपने गलत लिखा, हमारे मैडम ने ऐसा लिखा है। उसको अपने टीचर पे ट्रस्ट था जी, जी, जी। उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था, उसको अपने टीचर पे ट्रस्ट था। मैं उस चीज को देख के मुझे काफी अच्छा लगा कि एक टीचर के ऊपर बच करता है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो अध्यापक हैं पहले से उनको तो मैं कोई संदेश दे नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, उनसे संदेश की मुझे खुद ज़रूरत है। लेकिन जो अभी अध्यापक बनने वाले हैं, जो मेरे साथी अध्यापक बनने का ख्वाब देख रहे हैं, कईयों का सपना अध्यापक बनना है, उनसे ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगा कि अध्यापक बनने से पहले हम ये यहाँ पर मान के आए कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, अगर आपको और सौ रास्ते हैं ना जी शोहरत चाहिए तो बहुत सारे ऐसे मार्केट में आजकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऐसे ऊपर काम है। बिल्कुल, अगर सिर्फ पैसा चाहिए तब कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें साधु बनना है और सन्यासी बन करके सब कुछ त्याग देना है, एक अध्यापक का भी पारिवारिक जीवन होता है, लेकिन इन सब के बावजूद पैसों को अगर हम वैल्यू दे रहे हैं तो हमें हमारे लिए तो हम इस प्रोफेशन के लिए नहीं बने। और सेकंडली
जो हमें करना है यहाँ पर आकर के, कि हमारे हाथों में एक ऐसे भविष्य का निर्माण है। देखिए हमारी आयु जो है वो ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष एक्सट्रीम लिमिट लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है जी, लेकिन जो देश की आयु है वो कई सदियों में होती है, 100 सदियों से जब भी ज्यादा होती है, युगों में देश की आयु होती है। तो हमें अपने देश में जो आज हम बीज बो करके जाएंगे उसका रिजल्ट अगले 100 सालों बाद आएगा, और तब तक हम उस रिजल्ट को देखने के लिए भी हम यहाँ नहीं होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जी, यानी कि मैं और आप भी आज यहाँ पर खड़े हैं, हम भी किसी टीचर से पढ़ के आए हुए हैं जी, और मुझे लगता है टीचर का बहुत बड़ा रोल रहता है। देखिए टीचर कहते भी है कि बिना गुरु ज्ञान ना होए, ठीक है जी, अगर गुरु के बिना ज्ञान हो जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है। और बीइंग ए टीचर मैं यही मैसेज जो है वो अपने जो न्यू कमर्स हैं या जो अभी आने चाहते हैं इस प्रोफेशन में, जिनका जो विचार कर रहे हैं, जो अभी बडिंग टीचर्स हैं, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो हर कोई बच्चा जब अपने टीचर को पढ़ाते हुए देखता है तो वो ये फील करता है कि वुड भी कि मैं भी एक टीचर बनूं, काश मैं भी एक टीचर बनूं। तो अगर किसी ने ऐसा सोचा है और वो टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए मेरा यही मैसेज है कि वो एक सेवा भाव से आए, कुछ नया कर गुजरने का, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उसकी जो है वो हाई होनी चाहिए, डरने वाला नहीं होना चाहिए, लोग क्या कहेंगे एल के सिंड्रोम उसके बीच में नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है उसको चुनौतियों से लड़ने की जो है वो मादा होना चाहिए। एक मछली बिना पानी के कैसे रह सकती है ये वो सीख के आए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ आती हैं, जैसे मछली का बिना पानी रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर अध्यापक बनना है तो वो भी सीख के आना पड़ता है, क्योंकि कई स्थितियाँ आपके सामने ऐसी आएंगी जब अगर आप अपने आप को मछली माने तो आपको पानी के बिना भी रहना पड़ेगा। तो ये सब अगर आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं तभी आप एक बनने की सोचें, और बाकी बहुत बढ़िया एक चैलेंजिंग जॉब है। मैं बोलता हूँ कि बेस्ट ऑफ ऑल जितनी भी आज तक की प्रोफेशंस हैं, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन ले लो, हर कोई प्रोफेशन टीचर से निकलेगा, और अगर आप उस प्रोफेशन में आते हैं जहाँ से आप क्रिएटर हैं आप, तो मुझे लगता है इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा मैसेज यही होगा। द टीचर ऐप से जब आपका रिजल्ट आया था, मैं काफ़ी समय से आपसे मिलने वाला था, और आज आपने समय निकाला अपना बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। उसके बाद अभी कभी आपसे फिर मुलाकात होगी, मैं आपको लिए बेस्ट विशेस कहता हूँ फ्यूचर के लिए, और आप जैसे टीचर जो हमारे समाज के लिए जरूरत है। सो ये थी युद्धवीर टंडन, और आप नेक्स्ट टाइम आपके नेक्स्ट वीडियो में किसी और इस तरह से इंस्पायरिंग टीचर से आपकी मुलाकात होगी। थैंक यू।